वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी इमदाद को नुकसान पहुँचाने और तोड़ फोड़ के वाकयात की शदीद मुसम्मत। कहते हैं सरकारी इमदाद में तोड़ फोड़ करके दहशत गर्दी का बदतरीन मुजाहरा किया गया। बुलवाइयों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कोई रियायत बरती जाए, दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी किसी सूरत कबूल नहीं। हमलावरों की शनाख्त करके इज्जत की मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में इजलास। आवाम के तहफ़ शरपसंदों के खिलाफ इकदाम पर ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आईजी पुलिस और दीगर हुकाम की इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चिना हाउस, सीएमएच और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। शहबाज शरीफ ने सरेनाज पुलिस अफसरान और अहलकारों की अयादत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शहबाज शरीफ के हमराह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा जना हाउस पर पुलिस के दरमियान झगड़ा। एएसपी तैमूर खान का एंटी राइट फोर्स के अहलकार पर तशद्दुद। एएसपी तैमूर ने एंटी राइट फोर्स अहलकार को दूसरी जगह ड्यूटी देने का कहा। इनकार पर तैमूर खान ने अहलकार को छड़ी से तशद्दुद का निशाना बनाया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का वाकये का नोटिस। सीसीपीओ बिलाल सदीक कमियाना से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी और निजी इमदाद की तोड़फोड़ के वाकयात की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। जीआईटी वाकयात की तहकीकात करके रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरतेहाल पर इजलास। मोहसिन नकवी का शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए कार्रवाई तेज करने का हुक्म। पाक फौज के खिलाफ बयान देने वाला रियासत का दुश्मन है। ऐसे रियासत मुखालिफ प्रोपोगंडे के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लिखा। जना हाउस पर हमला करने वाले मुतअद्दिद शरपसंदों की शनाख्त हो गई। शरपसंदों में दानिश मुनीर, साउद, अतान अशरफ, अली हसन आबाद शामिल। मसूद मेराज, तैमूर अली, इफ्तार, वकास, परवेज, अरसलान और यूसुफ गुलजार भी शरपसंदों में शामिल। शरपसंदों के खिलाफ दहशतगर्दी की रिफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुरतशद्दुद कारकुनान असलहा, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम से लैस थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जमान पार्क में क्याम। इमरान खान आज पार्टी क्यादत और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इमरान खान हालिया वाकयात पर लीगल टीम से मुशावरत भी करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद इमरान खान गुज़िश्ता रात जमान पार्क पहुंचे थे। इमरान खान के लाहौर पहुंचते ही सिक्योरिटी भी वापस समान पार्क पहुंच गई। समान पार्क में इमरान खान की सिक्योरिटी पर 106 पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस एहलकार तीन शिफ्ट्स में इमरान खान की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी एहलकार समान पार्क से चले गए थे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अगर यास्मीन राशिद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीक से जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट का 17 पीटीआई खवातीन वर्कर्स को भी फौरी रिहा करने का हुक्म। इमरान खान की गिरफ्तारी पर इमलाक नुकसान पहुंचाने का केस। 17 पीटीआई कारकुनान की बुरी जमानत मंजूर। एटीसी अदालत ने 27 मई तक मुलजिमान की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत का मुलजिमान को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म। आमदन से जायद असासा जात का केस। अदालत ने उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। उस्मान बुज़दार की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत में 18 मई तक तौसी कर दी।
हाई कोर्ट ने उस्मान बुस्तान को गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का हुक्म वापस ले लिया। उस्मान बुस्तान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। सिंगल बेंच ने कुछ सवालात उठाए, दीगर दरख्वास्तों में भी इसी नौयत के सवालात उठाए गए। प्रीकैन ने इस मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी की जाती है। तीन रोज बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल, शहर में निजी सरकारी स्कूल आज से खुल गए। अमन अमान की सूरत हाल के बायस 10 मई से स्कूल बंद थे। मुलतवी शुदा इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी। 17 मई को तर्जमा उल कुरान और इखलाकियात का इम्तिहान होगा। 18 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का इम्तिहान शेड्यूल। 19 मई को इस्लामियात और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पर्चा होगा। लॉरेंस रोड मरकजी इम्तिहानी सेंटर में HED के दफातर कायम करने का फैसला। तमाम तलीमी बोर्ड्स के मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल की धमकी दे दी। मैट्रिक के अमली और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुतासर होने का खदशा। कमिश्नर और DC ऑफिस में तातुल का शिकार काम दोबारा मामूल पर आ गए। इंटरनेट सर्विस बहाल होने से रेवेन्यू का काम शुरू। 4 रोज से तातुल की शिकार, 5000 रजिस्ट्रियों का इजरा भी शुरू कर दिया गया। शहर के 35 इलाकों में तातुल का शिकार सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जमान पार्क, जाती उमरा, हाली रोड, जहूर इलाही रोड पर सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। मॉल रोड, समनाबाद, गुलशन रावी में भी सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। PTI एहतजाज के बायस 10, 11 और 12 मई को सफाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। महंगाई ने हर सू तबाही मचा दी। सरकारी रेटिस में 8 सब्जियां महंगी, मुनाफा खोर भी आवाम को लूटने से बाज ना आए। अदरक 860 रुपए किलो की बुलंद सतह तक पहुंच गई। देसी लीमू 550, लहसुन चाइना 450, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो तक फरोख्त। फल भी आवाम की पहुंच से दूर, आम 400, आड़ू 350, लोकार्ड 250 रुपए किलो तक बिकने लगी। केला दर्जा अव्वल 460, दर्जा दोम 270 रुपए दर्जन तक दस्तयाब। गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान से बैनुल अक्वामी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का पाकिस्तान में ऑनलाइन सवारी की खिदमात के फरोग में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर पंजाब की तुलबा को पिक एंड ड्रॉप देने का प्लान बनाने की तजवीज़। बलीगो रहमान कहते हैं कंपनी की सरमायाकारी से डिजिटल ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। IG पंजाब उस्मान अनवर ने फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अहलकारों की तरक्कियों के समय पर दस्तखत कर दिए। आइंदा हफ्ते से फिंगरप्रिंट ब्यूरो ब्रांच के अहलकारों की तरक्कियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। रवा हफ्ते 580 सब इंस्पेक्टर्स और 450 ASIs की तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हेड कोच बन गए। PCB ने ग्रांट को 2 साल के लिए कौमी टीम का हेड कोच मुकर्रर किया। 2018 से 2020 तक पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच भी रह चुके हैं। एड्रयू पैट्रिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। सराय के मुताबिक एड्रयू पैट्रिक ने भी जिम्मेदारी निभाने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। मशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की हॉकी ओलंपियन जाहिद शरीफ से मुलाकात। पंजाब हुकूमत का जाहिद शरीफ के लिए महाना 35,000 रुपये वजीफे का ऐलान। मशीर खेल वहाब रियाज ने कहा खेलों से मुंसलिक हीरोज मुल्क की शान और पहचान है, मुश्किल वक्त में हम सब उनके साथ हैं। चौंतीसवीं नेशनल गेम्स कोयटा के सिलसिले में ओलंपिक्स मशहूर रैली का इनेकाद। ओलंपिक्स मशहूर रैली मार रोड से पैदल CPO तक निकाली गई। 34वीं नेशनल गेम्स में पंजाब पुलिस की 25 टीमें और 404 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नौजवान तुलबा को हुनरमंद बनाने का मिशन। टेफ्टा सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के 3,000 तुलबा को फनी तालीम देने का फैसला। टेलरिंग, प्लम्बरिंग समेत 14 मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे। टेप्टा के जरिए तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा के लिए समर स्किल्स कैंप लगाने का फैसला। निकवान मिसरे सनत और तिजारत SM तनवीर की जेर सदारत इजलास
महकमा सनत और तजारत, स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से समर स्किल्स कैंप लगाया जाएगा। 15 मई को इस तरह के माहदे पर दस्तखत भी होंगे। और सूबाई दारुल हुकूमत गर्मी की लपेट में, लाहौर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, हवा में 49% नमी का तनासुब मौजूद, शहर का ज्यादा से ज्यादा पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान, महकमा मौसमियात।